जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आ जाए। आप तो हमसे मिल भी चुकी है, पर्चा लेके आई हमारा, फिर क्या डाउट, क्या शंका है, क्या आपस में आपके बीच में गोली पक गई भाई? चलिए कोई बात नहीं, पास में आई, पर्ची दीजिए। हमने बोला था दरबार में आना, क्यों कहा था भैया दरबार में? क्योंकि आपकी पत्नी को विश्वास नहीं है। माइक माइक उठाइए, झूठ बोल रही हैं आप। माइक से बोलो। घर के इनकी हार्दिक इच्छा आती कि मतलब दरबार में मिले, तो इसलिए तुम मोमो बन रहे हो तुम। और क्या इच्छा थी तुम्हारे मन में कि जैसे सबके नंबर से बुलाउट हैं, पैन नंबर से बुलाउट, मोबाइल नंबर से बुलाउट, पैसन से बुलाउट, कैसे तो बुलाओ? नहीं ऐसा कुछ के टीवी पे आने नहीं, हमें ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, सब लोग देखा जा रहा है कौन दीवी दी वो नहीं, हमारी कुछ भी इच्छा, वो तो चेहरा दिखा दो, सब लोग देखे जा रहे हैं, वो तो कहो मुंह तो करो पहले। अरे तुम घर वाले देखे कैसे तुम बोल रही हो? देखो सीधे बैठो ऐसे ऐसे, इस साइड को देखो हनुमान जी तरफ को, भैया ने दिखा दी उनके घर के लोग, देख लो भैया तुम्हारी बहू पूछ रही है, बेटी बहन भैया पूछ पूछ लो, बताओ ये नाटक चालू होगा, बोले बोले। चलिए बताओ आपका पूछे जा रही, माइक से बोलिए। हमारी समस्या आपको पता ही है, हमें तो सब पता, हमें तो इतना पता जो तुम्हें पता ना हो, वही पूछना है बस। हाँ हमें तो इतना पता है कि जितना ना तुम्हें पता है ना तुम्हारी पत्नी को पता है, ना एक दूसरे को पता है। हम वहां से बताओ चालू करें कि दोनों के मुंह बंद हो जाएं? नहीं तो आप पूछो ना, हमें क्या दिक्कत है, पास में हाथ रखें। आइए भैया, हाँ बहन बोलो, क्या आप पूछना चाहते हो आप? माइक से बोलिए। बच्चे नहीं है तो बच्चे हो जाए, हम पहले लिख के दे चुके, लिखा सुधा देवी को बालक होगा, हम पहले लिख के दे चुके हैं। अब नई चीज बताओ जो हम ना बता पाए। और हमारे एक देवर का एक्सीडेंट हो गया अभी, तो वो पैसे नहीं दे रहेंगे। पैसे नहीं दे रहे? अगर देवर चले गए तो कहाँ दे रहे? नहीं, इलाज हो रहा है, इलाज के लिए वो पैसे नहीं दे रहे जिसने। ठीक है बाबे, गए तो नहीं ऊपर? नहीं है। तो ठीक है, पर ठीक भी हो जाए, तुम लगा दो अपने पैसे बैच पाँच के सब। तो हम तो लगा ही रहे जो है हमारे। तो कौन नहीं दे रहा पैसा तुम्हें? जिससे एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी किसे उसको। अरे वो तो जब बीमा पे केस कर होता मेल है, वो बीच में काहे लुट भी आए? आप जो बता दो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो हम तो केस करना मेल है सब मेल, और बताओ जहाँ मैं पीछे पड़ो तो क्या लिखो जाओ मैं सब कैसे बता देते हैं, सब कैसे बता देते हैं भैया, ऐसे ही बता देते, पर्ची कटवाओ सब पता लग जाए हम क्या बता देते। जाओ तुम्हारे देवर का जो एक्सीडेंट हुआ है उसका पैसा प्राप्त होगा, लेकिन टाइम लगेगा, कानून का सहारा लेना पड़ेगा, और आपको उससे तीन गुना ज्यादा मिलेगा जो लगा है उससे तीन गुना ज्यादा मिलेगा। और बताओ, माइक उठा के बात करो, ये सुगा टा वाला मोहम्मद उठाओ। सही है महाराज, तुम्हारे नौकर नहीं है हम? ना नौकर नहीं है हमें, बात से कोई मतलब, हमारी समस्या का समाधान का उपाय आपने बता दिया वो ही बहुत। मतलब पैसा ना मिले? ना पैसा तो वो तो इनकी इच्छा है, घर वालों की इच्छा है। घर वालों की इच्छा का आएगा, फ्री को आएगा माल? कितनी लगी? फ्री का माल नहीं है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया तो ऑपरेशन हो गया, जितना हुआ उतना मिल जाए, अब लापरवाही दो जन की है। अच्छा चलो हनुमान जी कृपा से सब कछु मिल जाए। और बताओ, बस कछु और पूछना? बताओ नहीं नहीं बताओ बताओ, तो भाई कछु इच्छा है? नहीं नहीं हो तो बताओ, आज हम कह रहे बताओ तो पूछना बताओ। या एक पर्चा में तुम दोनों के भूत उतर जाए, एक वो भूत नहीं बच ना, तो तुम धरा आविला के बच। हाँ तो बस आराम से अच्छे से रहो, संतों के दरबार में जाओ, संत आर्य संतों को प्रणाम करो, समझ में नहीं आए तो घरे जाओ, ठीक है? हम कैसे बता दे कैसे नहीं बता दे, तुम टोक पाओ तो बताओ हम कैसे बता दे, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? चंद्र प्रकाश। तुम्हारे पिता को नाम गंगा है?
माइक से बोलो है नहीं जो हमें बताओ है? चलो हम अपना बता दो आप कोई पता होगी यहाँ तो हमने महाराज जी कुछ किसी से बोला ही नहीं है तो रात में बात से मौका चला रही थी मेला से कौन से मेला से अरे हम तो अपने जो बुआ आते हैं उनसे बात हो रही थी हमारी और हमारी किसी से बात नहीं हम पेंसर में घूम रहे थे सर सुनो तुम यहाँ पे हम कहीं किसी से हम रात में सोच नहीं है पता हम खुद ड्रोन को अमरा बने हम जो देखा तो कहा बात कर रहा हूँ आप देखे थे मैंने और तुमसे गंगा प्रसाद भी पूछ लेगा तुम्हारे ससुर को ना को आया तुमने बता भी नहीं दिया हमें नहीं मैं तो नहीं पता तो हमें कैसे पता बताओ बहन मैं नहीं पता गुरु जी आपको ही पता होगी आपके बैंकिंग में खाता तो खुलवाओ तुमने नहीं खोलो खोलो है सिंडिकेट बैंक में हाँ खोलो है महाराज सिंडिकेट में खोलो है ना हाँ सिंडिकेट ही में है ना सही बताओ है खाता नंबर क्या है खाता नंबर पूरा याद नहीं है लास्ट में शायद 346 है लास्ट का अंक है 346 के लगभग 346 है लेखो 346 तीन अंक में आप बोलेंगे जिसका आधार 346 का पैन कार्ड है 346 का एटीएम कार्ड है 5515-99-000-87-54-516 है? होगा सर और सुनो जिसकी डेट है 12/2018 से 12/2025 ठीक है अब हम पीछे का कोड नहीं बताएंगे और तुम्हारा पासवर्ड नहीं बताएंगे देखना है तो जो लिखो पढ़ लो लिखा लिखा है महाराज इसलिए हम एक बेर में झप कर देना वो पैसा जाओ। चलो जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे आशीर्वाद बोले पंडो का सरकार की और तुम्हारे पिताजी का नाम पालता प्रसाद पालता यही है माइक से बोलो हाँ। हाँ। तो आप पंडुखर धाम में आओ तो बस एक ही सोच के आओ कि ना मालूम कहाँ कैमरा लगो खड़े हो और डालो भाई अब जो पर्चा इसलिए नहीं दिखा रहा है कि जहां बहुत कछू लिखो नहीं घर बार जो कहेंगे ऐसी पूछेंगे नहीं तुम